हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम हैं केलोंग में और इस व्यू के साथ आप देख सकते हो पीछे काफी अच्छी व्यू है। हमारा सेकेंड डे ऑफ द ट्रिप है। आज से केलोंग से हम लोग चेकआउट कर रहे हैं, तो सरचू की तरफ जाएंगे। वेदर कल रात को काफ़ी ख़राब हो गई थी और ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आप देख सकते हो पीछे मेरे, ये माउंटेन में कल रात को फ्रेश स्नो पड़ी है। काफ़ी ठंड हो गई थी रात को, टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री दिखा रही थी। पता नहीं, तो नींद भी सही से हुई नहीं बिकॉज कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी। तो इवन हम लोग सुन रहे कि सरचू में भी बहुत ज़्यादा ठंड है, इट कुड गो टू -1। तो मेरे लिए लाइक फर्स्ट टाइम राइडिंग, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर नॉट श्योर कैसा होगा, बट हाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है। इट्स एडवेंचर राइड और हम पहली बार ऐसे राइड कर रहे हैं। तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा व्लॉग अभी तक। अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अभी हम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने वाले हैं, बन रहा है ब्रेकफास्ट नीचे, तो हम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने वाले हैं सारे, फिर लाइक अपनी बाइक पे निकलेंगे। तो होपफुली मैं आपको दिखा सकूँ लाइक केलोंग से सरचू की ड्राइव। ये बहुत अच्छी ड्राइव है। आज अराउंड 100 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स हम लोग कवर करेंगे। हमारा स्टे सरचू में होने वाला है, तो आई विल कैच यू गाइस देयर। तो सामान सब हमने पैक कर लिया है अभी, और कल रात को जब हम आए आपको मैंने रूम नहीं दिखा पाया था। तो ये है हमारी रूम, होटल डेकेड, 2500 पर नाइट। ये एक डबल बेड मिल जाती है आपको, एक वॉशरूम है लाइक अटैच्ड है, गर्म और ठंडा पानी दोनों आता है, और काफ़ी नीट एंड क्लीन भी है ये वॉशरूम। तो लाइक ये राइडर के लिए काफ़ी एक नीट एंड क्लीन वॉशरूम और गर्म पानी मिल जाए तो ये बहुत अच्छी है। और हमारे पास एक बैल्कनी भी है, मैं आपको बैल्कनी दिखाता हूँ। इधर एक बैल्कनी थी जो रात को हम यहाँ पर बैठे हुए थे, तो ये अच्छी प्लेस थी। तो बैल्कनी से आपको दिखाता हूँ सामने की व्यू जो बहुत ही ज़बरदस्त है। देख सकते हैं गाइज, ये व्यू बहुत ही अच्छी थी। तो हाँ बस यही है, आज हम निकलने वाले हैं सरचू की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज की जर्नी शुरू हो गई है। आज हम मल्टीपल प्लेसेस कवर करेंगे ऑन द वे टू सरचू। सबसे पहले हमें पता चला कि यहाँ एक स्टिंगरी हेलीपैड है जो बागा रिवर के किनारे है, वहाँ से बागा रिवर फ्लो होती है। पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पर, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम आज जिस्पा क्रॉस करेंगे, और जिस्पा क्रॉस करने के बाद हमें मल्टीपल लाइक चेक पोस्ट मिलेगी। तो पहली चेक पोस्ट मिलेगी दारचा, जो लगभग यहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स है। दूसरी चेक पोस्ट हमें मिलेगी बारालाचाला पास, जो भी अराउंड लाइक आई थिंक 80 किलोमीटर्स में आती है। तो ये दोनों चेक पोस्ट आज मिलेगी। कल के वीडियो में आपने अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो पे, तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। कल के वीडियो में हमें कहीं भी चेक पोस्ट नहीं मिली थी जब हम मनाली से शुरू किए थे, बट आज दो चेक पोस्ट आएगी और आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। बहुत सारे प्लेसेस हम ऑन द वे दिखाएंगे, आज की सीनिक ब्यूटी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। और आप अगर नए हो इस चैनल में तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आपको इस लद्दाख सीरीज़ की सारी अपडेट्स आगे मिलती रहे। दोस्तों ये व्यू देखिए, इतनी खूबसूरत व्यू है, ये रोड इतनी खूबसूरत है, इस पर ड्राइव करने में वो भी हिमालयन बहुत ही अच्छी लग रही। आप ऐसे कोई भी बाइक ले लद्दाख लेके आ सकते हो, बट हिमालयन राइड करने की अलग ही मज़ा है। बहुत ही अच्छी राइड हो रही है ये। राइड में जो आप रिवर देख रही है आपको, यही है बागा रिवर, किसी के किनारे स्टिंगरी हेलीपैड है। तो हम यहाँ पे कुछ देर रुकने वाले हैं। तो आप अगर स्ट्रेट जा रहे हो, राइट साइड यू टर्न लेके नीचे की तरफ जानी पड़ती है, वहीं पे स्टिंगरी हेलीपैड पड़ती है। तो ये रोड से आप नीचे आइए, और इसके बाद आने के बाद आगे ही आपको हेलीपैड पड़ेगा। ये व्यू बहुत अच्छी है, आप आ सकते हो। आप कभी भी केलोंग की तरफ आ रहे हो तो ये हेलीपैड ज़रूर विज़िट कर सकते हो। ये अराउंड 5 से 6 किलोमीटर्स है केलोंग से।
तो यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं हम, लाइक फ़ोटो वगैरह खिंचवाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आगे हम जिस्पा क्रॉस करने वाले हैं। तो हम ये क्रॉस कर रहे हैं दारचा चेक पोस्ट। तो दारचा चेक पोस्ट में आपकी बाइक की परमिट चेक होती है, तो आप यहाँ पे इनर लाइन परमिट निकाल के यहाँ पर चेक करवा के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप कभी भी मनाली से आगे आ रहे हो तो आपको यहाँ रुक के बाइक के परमिट चेक करानी पड़ती है। तो हमने अपनी परमिट चेक करा ली है। रोड काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, लाइक ये टूवर्ड्स सरचू थोड़ा सा स्ट्रेच है जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो रोड थोड़ा सा नहीं काफ़ी ख़राब है, अब देख सकते हो। और इस पर ट्रैफिक चक्कर में बहुत ट्रैफिक भी हो जाती है जाम। और लाइक पहले क्या होता था, यहाँ पर बड़े बड़े नाले होते थे जहाँ पर क्रॉसिंग दिक्कत होती थी। आजकल क्या हुआ, वो नालों को भर दिया गया है विथ लाइक पाइप से। तो आगे आपको दिखाता हूँ, एक वाटरफॉल टाइप की छोटी सी दिख रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि जो भी नाला था वो अभी क्रॉस हुआ नहीं, तो अभी देख सकते हो ये पूरी सी रोड ही ऐसी है। इसको थोड़ा सा ड्राइव करना ये होता, बट ज़्यादा नहीं है। देख सकते हैं ये सब नाला था, इस सब ने बंद कर दिया गया है ये वाटर क्रॉसिंग। तो देख सकते हैं इस नाला माउंटेन की धूप बहुत हार्ड होती है, आपको लगेगा कि यहाँ कोल्ड है, सनबर्न होगा नहीं, बट ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा सनबर्न होती है यहाँ पर। तो हमें सब कभी भी आओ तो लाइक मॉइस्चराइजर प्लस सनस्क्रीन ये सब ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि आज वेदर, कल पूरी बारिश थी, आज पूरी धूप है और बहुत गर्मी है, तो और इसके चक्कर में आपको सनबर्न हो सकता है। तो आप देख सकते हो ये दीपक ताल है और काफ़ी अच्छी ड्राइव थी यहाँ तक। क्राउड काफ़ी है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो यू कैन सी देयर दीपक ताल। और हाँ, पानी काफ़ी क्लियर है, इट्स लाइक टर्कोइज ब्लू, हिमालयाज और ये पानी, दिस लुक्स सो नाइस, अमेजिंग व्यू गाइस। सो दिस इज दीपक ताल, हम दीपक ताल पे पहुंच गए हैं। अच्छी ड्राइव थी, पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी व्यू है हमारी माउंटेन की। ये दीपक ताल लेक है, साफ है, टर्कोइज वाटर है, मज़ा आ रहा है, बट गंदगी लोग कर रहे हैं। डोंट वॉन्ट इट, हमें गंदा करना नहीं है, हमें चीज़ों को फेंकनी नहीं है। जो कूड़ा ला रहे हो अपने साथ प्लीज़ लेके जाइए। आपको नीचे जाके दिखाता हूँ पानी की कलर, आपको ये होगी बहुत ट्रांसपेरेंट है, आप देख सकते हो सी पानी, शायद आपको कैमरा में पता नहीं कैसे दिख रही होगी, बट दिस इज ऑसम। सो दोस्तों, दीपक ताल अराउंड 12,300 फीट हाइट पे है और ये रफली अराउंड 50 किलोमीटर्स है केलोंग से।
जो मनाली लेह हाईवे में पड़ती है। तो ये लेह काफ़ी खूबसूरत है और हिमालयस की रिफ्लेक्शन इस वाटर पे आती है, लाइक ब्लू सफायर पानी है, बहुत ही खूबसूरत है ये लेक। तो आप जब भी आ रहे हो इस तरफ तो यहाँ पर प्लीज़ हॉल्ट कीजिए, इस लेक की ब्यूटी को एडमायर कीजिए, बहुत अच्छी प्लेस है। ओ भाई, रोड है भाई। तो हमारी नेक्स्ट स्टॉप सूरजताल है, तो ये रोड आपको सूरजताल ले जाएगी। सूरजताल भी काफ़ी खूबसूरत है और वो अराउंड दीपक ताल से 28 से 30 किलोमीटर्स अराउंड है। इसीलिए पानी में चलाना चाहिए, पता है वो थोड़ा ऊपर रह गया ना, पैर ही नहीं पहुंचा। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट स्टॉप सूरजताल है, उससे पहले हमने यहाँ पर एक जगह सोचा कि थोड़ी देर रुकते हैं। बहुत ही अच्छी व्यू आ रही थी यहाँ से, सो आप देख सकते हो ये पास को बहुत खूबसूरत व्यू है। ये माउंटेन्स पे स्नो गिरी हुई है, फ्रेश स्नो हुई है शायद कल, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये व्यू। तो गाइस, हम सूरजताल पहुंच सकते हैं, आप देख सकते हो ये सूरजताल है। तो पहले आपको दीपक ताल दिखाया, ये सूरजताल है, बहुत ही बढ़िया व्यू है, बहुत ही बढ़िया व्यू है। तो गाइस, ऊपर से नीचे थोड़ा सा ट्रैक करके आना पड़ेगा। सूरजताल अराउंड 800 मीटर लंबी लेक है, जो आपके बारालाचाला पास, जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आती है और हिमाचल प्रदेश के नीचे है, और इसकी हाइट अराउंड 4,890 मीटर में है। और कहते हैं कि इट थर्ड हाईएस्ट लेक इन इंडिया एंड 21st हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। स्नो कवर्ड है, पता नहीं चलेगा कि कहां पर गड्ढा है, बट आप देख सकते हो आगे सूरजताल है, क्या मस्त व्यू है। दिस इज लाइक नाइस, सांस थोड़ा सा फूट रही है बिकॉज एयर इज वेरी थिन, और हमें ट्रैक करके नीचे जाना पड़ रहा है। तो यस, गाइस दिस इज सूरजताल, गाइस ये सूरजताल, ऊपर से व्यू देखिए क्या खूबसूरत है, इतनी नाइस व्यू है यहाँ से, देख सकते हो हम ऊपर से ड्राइव कर रहे हैं। अगर आपको देख रहा होगा तो क्या दिखाना बंद कर।
आगे अभी बारालाचला पास आने वाली है, तो उसे हम क्रॉस करेंगे। वहाँ पे परमिट चेकिंग होगी, एक परमिट चेकिंग हमने दारचा में किया, दूसरी परमिट चेकिंग बारालाचला पास में होगी। और बारालाचला पास की हाइट अराउंड 4850 मीटर है और ये मोस्टली झांस्कर रेंज में आती है, तो काफ़ी खूबसूरत पास है। यहाँ पे विंटर में तो इस पास में लाइक मोस्टली अलाउ नहीं होती है क्योंकि काफ़ी बर्फ़ रहती है, बट विंटर में भी ये पास देखने लायक है, बहुत ही खूबसूरत रहती है। तो इस आई थिंक उस चेक पोस्ट की वजह से ये पूरी ट्रैफिक लगी हुई है, तो एक बार ये ट्रैफिक क्लियर होती है हम आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस हम हिमालयन ढाबा हिमालय ढाबा में लंच करेंगे अपना, यू कैन सी हियर। हेलो भैया, थैंक यू। तो ये सेटअप देख सकते हैं, बहुत अच्छे सेटअप हुआ ये, दिस अ नाइस सेटअप गाइस। आप आ सकते हैं यहाँ पे, ये दिस इज किचन। गाइस तो अभी हम फिलहाल लाइक मैं लंच कंप्लीट कर लेते हैं, ऑलरेडी भूख लगी है बहुत तेज। अपन लंच कंप्लीट करते हैं, पहले लंच कंप्लीट करके फिर सरचू के लिए निकलेंगे। ड्राइव अच्छी थी बट रोड काफ़ी ख़राब है जो कंस्ट्रक्शन अभी हो रही है, तो थैंक्स टू BRO ये रोड बहुत अच्छी बना दी है। लाइक अब ये देख सकते हो ये जो रोड आ रही है वहाँ से, वो रोड बहुत अच्छी बन गई है, बट वो जो कनेक्ट कर रही थी वो रोड अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही, तो आई फील नेक्स्ट कुछ महीनों में दैट विल आल्सो बी कंप्लीटेड। बट यस गाइस बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत ही ज़्यादा। चलिए तो अभी लंच कर लेते हैं फिर अपनी आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि लाइक कुछ अच्छी व्यूज़ आपको दिखा पा रहा हूँ और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। लगी है तो हम राजमा चावल लेते हैं, मैगी भी ऑप्शन में थी बट मैंने मैगी बहुत बार लिया है, तो राजमा चावल रहते हैं। ये देख सकते हो राजमा चावल क्या मस्त दिख रही है, प्रॉपरली कुक्ड राजमा है, और पहाड़ों में राजमा और चावल की बात ही अलग है। साथ में हमने लेमन जिंजर टी भी लिया है। पहले खाना खाते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। हमने अपना लंच अभी कम्प्लीट किया वहाँ हिमालय ढाबा पे, और यहाँ से हिमालय ढाबा से सरचू अराउंड 20 किलोमीटर्स की राइड है, तो रोड अच्छी है यहाँ से, ज़्यादा कुछ इतनी ख़राब नहीं है। जब बारालाचा पास से हमने जब क्रॉस किया वो रोड काफ़ी ख़राब थी, बट अभी रोड सही है, स्ट्रेट रोड होगी, कुछ ज़्यादा इतनी आई थिंक इतनी ख़राब नहीं है। तो अराउंड 25 किलोमीटर्स में सरचू आ जाएगी। ये राइड कहाँ जाता है? राइट कहाँ जाता है? राइट। अच्छा उधर रास्ता नहीं है क्या? ओके मुझे लगा कि क्या है तेरा पैर है। अरे मुझे लगा लेफ्ट है रास्ता है। तो फाइनली हम सरचू पहुंच गए हैं, और ये हमारी अब जो टेंट सब देख सकते हैं ये हमारी कैंप है, आज नाइट की स्टे यही है। तो स्टे का नाम है मुल्किला एडवेंचर कैंप सरचू, तो मैं लिंक और उसकी फ़ोन नंबर्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से पिक कर सकते हो अगर आप चाहते हो वहाँ रहना। सो यस सभी जस्ट पहुँचे, अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, अभी बस फ्रेश होना है।
तो दिस इज अवर कैंप, हम यहाँ रहने वाले हैं आज सरचू में. सो फाइनली सो दिस इज द कैंप, यू कैन सी काफी बढ़िया कैंप है. हाँ काफी बढ़िया कैंप है. सी सी दिस लैंडस्केप गाइस, क्या लैंडस्केप है. ये हम बस डिनर करने जाने वाले हैं. डिनर एक बार हो जाएगा, उसके बाद बस हम आज सो जाने वाले हैं. बहुत टायर्ड हो चुके हैं. अभी तक आपको अगर वीडियो पसंद आए, सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू गाइस.